हेलो गाइस, ये वीडियो है महिलाओं के लिए कुछ खास। राजस्थान सरकार लेकर आई है महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। राजस्थान सरकार ने निकाली है दो कमाल की भर्ती जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। अब हम बताते हैं, पहली भर्ती है इसमें फीमेल एएनएम के लिए और दूसरी भर्ती है स्टाफ नर्स जीएनएम के लिए। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, बट अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। इसकी स्टार्ट होने की डेट है 10 जुलाई। 10 जुलाई से इसको आप भर सकते हो। इसके अप्लाई के लिए आप 10 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा। हम बताते हैं इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट जारी कर दी गई है। इसकी लास्ट डेट है 8 अगस्त। इसकी फीस सबमिट कराने की डेट भी दे दी गई है। इसी ऑनलाइन फीस आप 8 अगस्त तक ही भर सकते हैं। एग्जाम डेट की कोई भी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। जैसे ही ये डेट डिसाइड हो जाएगी आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फीस की, किस कैटेगरी की फीमेल को कितनी फीस भरनी होगी। जनरल और ओबीसी को 600 फीस देनी होगी। ओबीसी एनसीएल को 400 फीस देनी होगी। एससी और एसटी 400 फीस देनी होगी और इसका करेक्शन चार्ज है 300। 1 जनवरी 2024 तक मिनिमम एज 21 ईयर तक मांगी गई है और मैक्सिमम एज 14 ईयर तक मांगी गई है। चलिए, ये तो बात हो गई एज की। अब कि किस पोस्ट पर कितनी भर्ती है। इसमें टोटल पोस्ट है 3,646 पोस्ट। ये सभी फीमेल के लिए है, ओनली फीमेल के लिए। ध्यान से इस बात का ध्यान रखें, कोई भी मेल कैंडिडेट इसको ना फील करे। ओनली फीमेल के लिए ये जॉब निकली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एएनएम है उसमें कितनी पोस्ट है। नॉन टीएसपी पे 1,865 पोस्ट निकाली गई हैं और टीएसपी पे 193 पोस्ट निकाली गई है। स्टाफ नर्स में जो दूसरी पोस्ट है, स्टाफ नर्स जीएनएम में नॉन टीएसपी पे 1,400 पोस्ट है और टीएसपी पे 188 पोस्ट दी गई है। अब बात आती है इसकी क्वालिफिकेशन की, कि इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। एएनएम पोस्ट के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, उसके साथ आपका हेल्थ वर्कर एग्जाम भी पास होना चाहिए और उसके साथ ही राजस्थान नर्सिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आपको इस वैकेंसी का लाभ हो सकता है। साथ में राजस्थान कल्चर की भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट के क्वालिफिकेशन की। इसमें आपको जीएनएम का कोर्स आपका होना चाहिए, उसके साथ में राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है। 10 जुलाई को ये एक्टिव होगा। इस आने वाली 10 जुलाई को इस वैकेंसी का लाभ उठाने के लिए, ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये जल्दी से जल्दी ऐसी वीडियो मिलती रहे। ऐसे ही और जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें, साथ में कमेंट भी करना ना भूलें।